राधे राधे, सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चोली बनाने वाले हैं 2 नंबर कान्हा जी के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से सिंगल ऊन से हम फंदे डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 14 फंदे डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, हमने 14 फंदे 14 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब हम इसमें उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो इस तरीके से अपनी तरफ करते हुए हम सिलाई को इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो इसमें हम 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाएंगे। देखिए मेरा फंदा निकल गया। मैंने 0 नंबर की बनाई है, इसमें 3 से 4 नंबर की भी बनाई है। तो ये हम 2 नंबर की नहीं बनाई थी मैंने, इसलिए मैं स्पेशल से 2 नंबर की बना रही हूँ। एक सिलाई मैंने बना ली, अभी दूसरी सिलाई भी हम उल्टी तरफ से बिना बुना ऐसे फंदा ले लेंगे एक, और पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो ये हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए, हमने 2 सिलाइयाँ बना ली उल्टी उल्टी, ये बॉर्डर हो गया नेक का। आप 2 रंग की बनाना चाहते हैं तो इसे अलग, जैसे इस कलर से आपने बॉर्डर दे दिया, उसके बाद अपना अगला कलर जो है लगा सकते हो। तो 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद आप देखिए, पहला फंदा बिना बुना लेंगे। ये तीसरी सिलाई है मेरी, एक उल्टा दूसरा भी उल्टा। ये 2 फंदे यहाँ से उल्टे, 2 फंदे यहाँ से उल्टे। ये एक तरह से बटन पट्टी होती है हमारी, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। उनको पीछे कर देंगे और यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे हम बीच के। 14 फंदे ही बीच के 10 फंदे जिनको हम एक से हर फंदे को बढ़ाएंगे, जिससे हमारे ये फंदे बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ये देखिए, पहला सीधा बनाया और इसी फंदे को उतारना नहीं है सिलाई से, सिलाई को पीछे ले जाना। और देखिए, फिर से देखिए, जरा गड़बड़ हो गया। देखिए, 2 फंदे उल्टे बनाए, पीछे किया, सिलाई को पीछे की तरफ सीधा बुना, ठीक है। इसको उतारना नहीं है, सिलाई को पीछे ले जाके यहाँ से इसी फंदे को इस तरीके से 1 से 2 हमने बना देना है, ठीक है। 1 से 2 गया, फिर अगला फंदा देखिए, इसी तरीके से सीधा बनाया, सिलाई को पीछे लेकर इसी फंदे को फिर से सीधा बना दिया पीछे की तरफ से, सीधा बनाया और फिर से इस फंदे को सीधा। तो बीच के 10 फंदे हैं जो हमारे, 14 फंदे थे ना, 2 इधर के उल्टे, बीच के 10 फंदों को हमने 1 से 2 बना देना, जिससे कि ये 20 फंदे हो जाएंगे और 2 इधर के 2 24 फंदे हमारे टोटल हो जाएंगे। तो देखिए, बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो मैंने बीच के सारे फंदे डबल कर दिए हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कोई हिसाब किताब ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, लास्ट के 2 फंदे हैं तो उनको आगे कर लेंगे, इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। ये जो दोनों तरफ के फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। अभी उल्टी सिलाई आ गई हमारी, 4थी सिलाई, इसे हम सारे फंदों को उल्टा बना लेंगे। पहला फंदा बिना बना लिया और इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना देंगे। तो ये हो गए हमारे 24 स्टिच, 24 फंदे हमारे हो गए हैं। तो इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। अब देखिए, हमारी 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई, एक पे हमने फंदे बढ़ाए और 4थी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनाई। अभी हमारी 5वीं सिलाई है, इसे में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना। पहला फंदा बिना बुना लेके 2 शुरू के हमारे उल्टे, ठीक है, उनको पीछे किया, सारे फंदे हम बीच के फंदे सारे सीधे बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। इस तरीके से हम ये 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं पूरे फंदे सीधे बनाऊंगी, लास्ट के 2 उल्टे। तो देखिए, हमारी 5-6 सिलाई जो है बन गई है, ठीक है। अब हमारी 7वीं सिलाई, 2 सिलाई हमने उल्टी बनाई, 3री सिलाई पे फंदे बढ़ाए और फिर 4थी सिलाई उल्टी और 5वीं और 6ठी सिलाई पे हमने कुछ नहीं किया। अब हमारी 7वीं सिलाई है, इस पर हम फंदे बढ़ाएंगे। पहले बिना बुना लिया, 2 फंदे ये हमारे उल्टे हो गए, उनको पीछे किया, पहला फंदा हमने सीधा बनाया और दूसरे फंदे को सीधा बनाकर पीछे से इस तरीके से
एक बार और सीधा, यानी कि एक छोड़कर दूसरा फंदा हमने बढ़ाना है। यहाँ पर एक सिंपल उतार लिया और दूसरे फंदे को एक से दो। फंदे हमारे पहले की तरह यहाँ पर जैसे 10 फंदे की बजाय 20 हो गए थे, 10 फंदे बढ़े थे, यहाँ पर भी हमारे 10 फंदे ही बढ़ेंगे, क्योंकि हम एक फंदा तो सिंपल ऐसे बना रहे हैं और दूसरे को एक से दो, यानी कि एक छोड़कर दूसरे फंदे को हम एक से दो करते हुए सारे फंदे बढ़ा देंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी। एक सीधा बनाया और ये फंदा हमने एक से दो और लास्ट के दो फंदे हमारे उल्टे और पूरी उल्टी सिलाई, आठवीं सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। इसको हम पूरा उल्टा बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी बना ली है। अब हम फिर से दो सिलाइयां बनाएंगे जिसमें हमने फंदे नहीं बढ़ाने और शुरू के दो फंदे उल्टे, उनको पीछे करके बीच के सारे फंदे सीधे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो ये हमारी जो है, अब देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली है और नौवीं और दसवीं सिलाई हमारी सिंपल बनेगी। पहला फंदा बिना बुना, दूसरा उल्टा, शुरू के दो फंदे उल्टे, लास्ट के दो फंदे उल्टे, बीच के सारे फंदे सीधे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो नौ और दस हम सिलाई इसी तरीके से बना लेते हैं और आगे हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो देखिए 10 सिलाई हमारी टोटल हो गई है। अब 11वीं और 12वीं हमने दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है। तो इस तरीके से सारे फंदे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाएंगे, जैसे हमने शुरू में नेक में बनाया था। इस तरीके से दो सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बना लेंगे, उसके बाद हम बाजू, बैक, फ्रंट सब जो है अलग अलग करेंगे। तो देखिए 12 सिलाइयाँ हो गई है। ये दो सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनाई जिससे आप एक लाइन देख रहे होंगे। अब यहीं से हम बाजू अलग कर देंगे। तो इसमें हमने योग थोड़ा सा लंबा बनाया जिससे कि आधी बाजू से थोड़ा सा ज़्यादा आपकी कान्हा जी की बाजू कवर, जिसे पौना बाजू बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा लंबी लेंथ हो जाती है। तो दो नंबर कान्हा जी बाग के लिए अब तीन नंबर कान्हा जी को भी आप इसे पहना सकते हैं। अगर आपको छोटा बनाना है तो आप 10 सिलाइयों पर ही, जो नौवीं दसवीं सिलाई है उस पर आप ये उल्टी उल्टी सिलाई बना दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक फंदा हमने बिना बुना ले लिया, एक दो तीन चार पाँच और ये छः फंदे हो गए, ठीक है। छः फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाए हैं देखिए आप, और यहाँ पर सात फंदों को हम बंद करेंगे। तो एक और ये दो फंदे एक साथ लिए, उल्टी ऐसे उल्टी सिलाई पर ले रहे हैं, फिर वापस सिलाई में एक फंदा, गिनते जाइए दो तीन, ये हम बंद कर रहे हैं वापस सिलाई में डाल के, ये चार, फिर सिलाई में डाला ये पाँच, फिर सिलाई में वापस छः और ये सात। सात फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए हैं। तो ये बाजू होगी हमारी, उनको यहाँ पर अभी हमने उल्टा ही बनाना है, ठीक है। तो एक फंदा हमारा सिलाई में, ये दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ फंदे हमने पीछे की तरफ रखे, एक दो तीन चार, चार चार आठ, ठीक है। फिर सात फंदे घटाएंगे, दो का एक किया, एक फंदा कम हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सातवां फंदा, यहाँ सात फंदे बंद कर दिए, सात फंदे इस बाजू में, पीछे आठ, शुरू में छः और लास्ट में छः। देखिए एक दो तीन चार पाँच और एक सिलाई में छः। तो आगे हमारे छः छः फंदे, ठीक है। ये टोटल हमारे ये छः फंदे, सात फंदे या चौदह फंदे हमारे घट गए। अब हम इन सबको इकट्ठा कर देंगे उल्टी सिलाई में, पूरे सारे फंदे इकट्ठे बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके इसी तरीके से पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए,
अगर आपको टाइट करना है यहाँ पर, आप लगता है आपको ये हमारी चोली के हमें और फंदे कमर पे कम करने हैं, तो आप यहाँ दो का एक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं खुला ही बना रही हूँ क्योंकि नीचे भी कपड़े पहनाने होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से 6 फंदे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, टोटल 20 फंदे हमारे यहाँ पर रह गए हैं और ये चोली हमारी बनके तैयार हो गई। यहाँ पर आप लेंथ को जितना चाहे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं 4 सिलाइयाँ बनाऊँगी इस तरीके से, 2 शुरू के उल्टे उनको पीछे किया और बाकी फंदे सीधे। इस तरफ यहाँ पर हमने जो घटाए यहाँ पर एक तरीके से डिज़ाइन हो गया योग, इस तरीके से गोलाई देने के लिए थोड़ा सुंदर लगता है। बाकी हम फंदे सीधे और लास्ट के 2, इस तरीके से हम 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बना लेंगे। एक तो हमने उल्टी बनाई ली और एक ही हमारी दूसरी सिलाई, इस तरीके से 4 5 आपको जितना लेंथ हो आप करीब, सिर्फ मैं यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बनाऊँगी। तो ये देखिए हमारी चोली बनके तैयार हो गई। 4 सिलाइयाँ मैंने बनाई, एक तो उल्टी थी हमारी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी। अभी उल्टी साइड हमारी इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ पर आप जो है लेंथ बड़ा चाहें तो बड़ा बना सकते हो। तो ये देखिए हमारी 2 नंबर कान्हा जी की चोली बनके तैयार हो गई है, 2 नंबर राधा बाल राधा की भी चोली है ये, और 4 इंच जो या 5 इंच तक जो हमारी खड़ी हुई राधा जी होती है, स्टैंडिंग होती है, उनको भी यही चोली आएगी। क्योंकि मैं इस ड्रेस को आगे जो है, अगर आप ज़्यादा घेरा बनाएंगे तो लड्डू गोपाल जी की बन जाएगी, अगर कम घेरे में बनाएंगे तो आप राधा रानी की, तो इसी को मैं आगे राधा रानी की ड्रेस बनाऊँगी। तो आप इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, बाल राधा के लिए आप बना सकते हो। बहुत प्यारी फिटिंग आती है इसकी, आप इस तरीके से भी बना सकते हो और इसको आप आगे करके ऐसे फ्रंट जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई, जो कि बड़ी ही इजी थी, आपने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।